आप समझिए कि ये जन सुराज की जो झंडा आप देख रहे हैं महात्मा गांधी बापू की फोटो के साथ और कुछ लोग टोपी लगाए हुए हैं, ये जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज का मतलब है जनता का राज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नीतीश जी का राज नहीं, लालू जी का भी राज नहीं, मोदी जी का भी राज नहीं, प्रशांत किशोर जी का भी राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। और इस जन सुराज का पहला जो संकल्प है, पहला संकल्प है कि अगर जनता एक बार जाग गई, जनता की सरकार आ गई, जनता का राज आ गया, तो पहला संकल्प है कि 6 महीना से एक साथ लेकर स्वागत करता हूं सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जन सुराज जिंदाबाद, 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 जन सुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब लोग प्रशांत जी को सुने, उनके विचार को सुने। नमस्कार, रउआ सबके गांव में आके रउआ से मुलाकात करे के, परिचय करे के जो अवसर मिलल बा ओकरा खातिर रउआ के धन्यवाद कर रहल बानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, जैसे जौना गांव में रउआ बानी ऐसे रोहतास में एगो जिला बा, रोहतास जिला बा, जहाँ एक गाँव बा कोनार, वो हमार घर बा। साधारण परिवार के लड़के हैं, पिताजी हमारे डॉक्टर थे यहाँ पर, और दादा बैलगाड़ी चलाते थे, यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले, बोड़ा छाप वाला स्कूल से। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का कृपा है, पढ़ाई लिखाई करके निकल गए। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी करते थे, यूनाइटेड नेशंस आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पहले भारत में थे, उसके बाद भारत से बाहर विदेश में काम करते थे। 2011 में देश में वापस आए, जो ना परिचय सर्वा सब हमारा के जानता नहीं जा, चुनाव रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह वगैरह, वो काम 2011 से शुरू किए। 2011 से 2021 के बीच में 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं, 14 का लोकसभा का चुनाव और 10 अलग अलग राज्य में चुनाव, जो विधानसभा का होता है उसको कराया। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दें तो किसी भी चुनाव में हारे नहीं है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि हमको चुनाव जिताने आता है। नीतीश कुमार के रोड पे इतना धूल हो गया है कि मुंह में भर गया है धूल, तो खांसी के लिए माफी चाहते हैं। इसका मतलब बस इतना ही है कि जिस काम को लेकर करते हैं उसको ईमानदारी से करते हैं, 12 घंटा 15 घंटा पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए सफलता मिली है। लेकिन 2021 में सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा कैले बानी कि अब जीवन में आगे कोनो नेता कोनो दल के काम ना करो। अब रउआ पूछो कि ऐसा काहे बा, वह काम करके इतना नाम कमैले बानी देश भर में, जैसे रउआ डॉक्टर के यहाँ जाइला 500,000 रुपया फीस दीला डॉक्टर के दिखावे खातिर, तो बड़ा बड़ा नेता बड़ा बड़ा दल आता है चुनाव प्रचार कराने, प्रबंधन का काम कराने, सलाह लेने, तो लोग बताते हैं कि हमको सैकड़ों करोड़ रुपया दिया जाता है उस काम को सलाह देने के लिए, तो सब काम छोड़ के ऐसा गांवे गांव पैदल काहे घूमता नहीं, ऐसे घूम रहा बानी कि 10 बरस वो काम करके देखे, किसी को आप सलाह दीजिएगा, किसी का मदद कीजिएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। सत्ता बदल जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलता है। देखे 10 बरस सब पार्टी के साथ अनुभव किए, पूरा देश में आज 6 मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उस 6 राज्य में पब्लिक खुश है, जनता खुश है या जनता के लिए अच्छा काम हो रहा है। तो सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दिया है तो ऐसा काम करें जिससे लोगों का जिंदगी बदले, नेता को दल को हराने जिताने से तो बात नहीं बनेगा, इसीलिए उस काम को छोड़ दिए और छोड़कर वापस बिहार आए हैं। अब आदमी पूछो तारण कि बिहार काहे आइल बानी, बिहार इसलिए आए हैं कि इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में पले बढ़े,
तो माटी का कर्ज है उसको चुकाने आए हैं। इस राज्य के लोगों की जो गरीबी है, इस राज्य के लोगों की जो गरीबी है, जो बदहाली है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, हमने के देश में सबसे गरीब हमनिये के बानी जा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जे बा, सबसे ज्यादा अशिक्षित आदमी है जे बा, देखा था नहीं कि कितना कष्ट में 10,000-15,000 के रोजगार खाती लाखों लड़का गांव देहात घर परिवार छोड़ के कोई गुजरात जाता, कोई बॉम्बे जाता, कोई दिल्ली जाता, तो दशा सुधरो एकरा खातिर बिहार आयल बानी कि कुछ ऐसा प्रयास कर जाओ कि बिहार में गरीबी दूर होके, बेरोजगारी दूर होके। आके दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा काहे करता नहीं। आदमी कहता है कि भैया दल बना लेती तो बड़ा अच्छा रही, वही में सब आदमी हमनी के मदद करती जाए, तो दल नहीं बना ले पदयात्रा करता नहीं काहे। पदयात्रा ऐसे कर रहा बनी जौना राज्य के सुधारे के बात करता नहीं, जौन आदमी के, जौन परिवार के, जौन लोग के मदद करे चाहता नहीं, कम से कम हम आके एक बार देखी तो अपना आँख से कि रोवा कौना दशा में जियता नहीं, राउर तकलीफ का बात, राउर लड़का जौन स्कूल में पढ़े जाता सन वो स्कूल में टीचर बाड़न की ना, जब रोवा बीमार पड़ता नहीं अस्पताल में जाता नहीं तो अस्पताल में कोई दवा डॉक्टर बा कि ना, जौना खेत में रोवा काम करता नहीं वो जब पानी पहुँचता कि ना, खाद रोवा खरीदता नहीं वो कितना दाम में मिलता, बीज समय पर मिलता कि ना, जब रोवा धान उपजा के गन्ना उपजा के बेचता नहीं तो कोना भाव में बेचता नहीं, राउर गली के दशा का बा, राउर सड़क के दशा का बा, ये रोवा से जब देखो समझो एक बादे ना एक उपाय निकल सकेला, यही से पदयात्रा शुरू कैले बा। दल बनाकर वोट मांगने से बिहार नहीं सुधर सकता है। हम बहुत राज्य में देखे हैं, बहुत लोगों को बड़ा बड़ा नेता को जिताए हैं, उससे समाज नहीं सुधरता है। बिहार में जो दुर्दशा बा दुर्दशा के कारण ई बा कि जितना इधर जनप्रतिनिधि बाड़न उसके मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। उसको मालूम है भैया कुछ हो 5 बरिस हमनी के बैठ के गरियावत नहीं जा कि नेता भ्रष्ट बा, भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, स्कूल नहीं खे, लेकिन जहिया वोट होता वो दिन जाके जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर ओइजे बटन दबावत रहे बात। आधा आदमी लालू जी के पार्टी के वोट ऐसे करता कि भैया भाजपा के ना दे सकीला वोट, जितना हमने के मुस्लिम भाई जा बाड़न जा बिहार में तो कुछ हो जाए भैया हम तो भाजपा के ना कहीं जाइए लालू जी के दे दो, और आधा आदमी भाजपा के वोट ऐसे करता कि भाई कुछ हो जाए लालू जी के राज ना आवे के चाहिए। जहिया वोट होता उस दिन कोई नहीं के सोचत कि भैया हमारे बाबूजी बीमार रहन उस दिन डॉक्टर ना भेटाइए, कोई नहीं के सोचत कि 2000 के धान बारह समय बेचता नहीं, वो दिन तो हमने के अपन जाते लौकता धर्म लौकता, जात से निकलनी तो हिंदू मुसलमान में फंसा दी, हिंदू मुसलमान से निकल तो भारत पाकिस्तान में फंसा दिया जी, तो यह बतावे निकल बानी अरे भाई हमनी के कतनों गांव गली गुच्छा में खेत में खलिहान में दलान में बैठ के बतिया दिहल जाओ, नेताजी के गाली दे दिहल जाओ, ओकरा से बिहार नहीं के सुधरे वाला, सुधरी तो तब जब नेता जानी कि हम काम ना करत हमरा के लोग चुनाव हरा दिहन। अब भैया विधायक लोग बात कहते कि बहुत आदमी हमारा मिलल कहते भैया विधायक काम नहीं करत गैनी है तो कहते कि हमारा के थोड़े वोट देने वाला मोदी जी के देने वाला जा जौन बुझाई तुम कर लियो मान काम आदमी नहीं कर। आ जनता में रोवा कहता नहीं कि हमरा के नेता आके ठग के वोट ले ले रस, अब हमरा के रोवा बताई कोई रोवा के एक बार ठग सकेला, दो बार ठग सकेला, ऐसा कैसे बाकी 5-5 बार ठगता रोवा के, पहले बाबूजी ठगत रहन अब लड़को ठगता, तो कुछ तो गलती हमनियों में बा, हमनियों के ठगाए खातिर तैयार बैठल मानी जा, तो मान ली कि जे अब हम ही ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी तो कोई आके ठगिए ली हम आए तो हमू रुआ के ठग के निकल जाए, हमरो के रुआ वोट दे दे तो हमू ठग के चल जाए, हमू ना करब काम, ये बतावे निकलल बानी कि रे भाई अगर बिहार सुधारे के बा तो हमनी के आपन आपन लैकन के चिंता रुआ खुदे करे पड़ी, रुआ अपन लैका के चिंता ना करब तो दूसर कोई लैका के चिंता करी, कोई ना करी। देखिए जा हमनी के सब आदमी मोदी जी के वोट देले बानी जा,
देले बनी जा तबे न प्रधानमंत्री बान भाई दियाल बना मोदी जी के वोट मोदी जी के वोट दियाल बा मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बानी 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री के प्रचार के काम हम ही करत रही नारा लिखाई हर हर मोदी घर घर मोदी नारा सुनले बानी ना हर हर मोदी घर घर मोदी तो गुजरात के मोदी जी के नाम बिहार में घरे घर यूपी में घरे घर बात होके लागल मोदी 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 ऐसा बुझाइल कि मोदी जी अहन ऊपर के भगवान के दूत अहन तो सब सुधर जाए दिया गेल घरे घर से वोट दियाइल बा मोदी जी के तो रुआ बताई घरे घर से मोदी जी के वोट दियाइल बा तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपए दिया था ना भाई कोनो डिस्काउंट नहीं क्या ना मिला छूट नहीं क्या ना मिला तुम्हें तो भोटवा हमने के देले बनी जा तो 1250 रुपए आप पाकिस्तान के आदमी दी हम उन्हें क्यों देवे पड़ी रो के दी ही चाहे गा के दी ही देखी मोदी जी अलन तो सब लोग कहल कि बिहार में भारी विकास हो जाए जा केंद्र पूरा फैक्ट्री लग जाए मोतिहारी में मोदी जी कहनी 2014 में कि चीनी मिल चालू हो जाए यही चीनी मिल के चीनी से चाय पियो तब तो वापस बिहार आए अब रउआ बता दी कि जब फैक्ट्री लागल भाई एको लागल वो फैक्ट्री जितना लड़का है तो कुल लड़का कुछ लौकत आड़सन छठ में घरे आई वाला सन तो आना तो हम 30-35 दिन से पैदल चलत नहीं आ जहाँ पैदल जाता नहीं तो गाँव में खाली बूढ़ आदमी मिलता औरत मिलता सन छोट छोट बच्चा मिलता जितना है युवा लड़का भाड़न पूछत नहीं कहाँ बढ़न भाई सब लोग बता रहा कि भैया सब बाहर रोजगार करे चल गए बिहार में हमने के टीवी फ्रिज नहीं खींचा बनाव मोटरसाइकिल चलाव तो नहीं जा लेकिन मोटरसाइकिल बनता महाराष्ट्र में गाड़ी चलाव तो नहीं जा गाड़ी बनता हरियाणा में गुजरात में तमिलनाडु में सीमेंट छोड़ हमने के लगाव तो नहीं जा सीमेंट छोड़ बनता मध्य प्रदेश में टीवी फ्रिज बनता दूसर राज्य में बिहार में कहाँ बनता बिहार में हमने के एक चीज बनावता नहीं जा लो ग्रेड लेबर बनावता नहीं जा मजदूर बनावता नहीं जा जितना देश भर में जरा जरूरत होता कहता है 100 गो लेबर चाहिए जा बिहार में बस भर के ले आओ बा ना बात खेत नहीं खेके टाट मजदूर नहीं खे मिलता बिहार से ले आओ भर के कश्मीर में टनल बनावे के बाद आतंकवादी के खतरा बा कोई मजदूर नहीं खे बेटा तो जा भाई बिहार से पकड़ ले आओ 200 ये हमने के दुर्दशा बा बिहार ज्ञान की भूमि रही है देवताओं को भी यहाँ पढ़ने सीखने आना पड़ा है आज व्यवस्था ने हम लोग को लो ग्रेड लेबर सप्लायर बना दिया है देश का सब आदमी जाना था बिहारी मतलब मजदूर बिहारी मतलब बेवकूफ बिहारी मतलब गरीब बिहारी मतलब अनपढ़ दशा सुधरे के चाहिए ना भाई 30 साल से 35 साल से लालू जी और नीतीश जी के सरकार बा मान ली कि जोन दावा करता कि हम काम कर ले बानी मान लिया जाओ कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय हो गए माने में दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार कहता कि हमारे राज में विकास हो गई मान ली उनकर बात के एक बार के का तू तुम में करे के बाद मान लिया जाओ तो अगर लालू जी के दावा मान लिया जाओ नीतीश जी के दावा मान लिया जाओ तब तो जो सच्चाई बा तो सामने ही बाकी हमने के देश के सबसे गरीब राज्य हमनिये के बानी जा 10,000-15,000 के रोजगार खाती हम ये कर लेकर के दूसर जगह जाए पड़ता रवा गांव में रवा जिला में कोई गुजरात से आके मजदूरी करता अरे गुजरात से आके कोई मजदूरी करता भाई महाराष्ट्र से पंजाब से तमिलनाडु से कोई आके मजदूरी करता कोई नहीं के करत कोई जो गरीबी बा कोई जो भ्रष्टाचार बा लेकिन 10,000-15,000 के रोजगार खाती आदमी के अपन घर परिवार छोड़ के बिहार नहीं खे आवे के यूपी नहीं खे आवे के ओकर रोजगार के जोगाड़ ओजे पंचायत में ब्लॉक में जिस जिला में ओजे हो जाता तो अगर दूसर राज्य में इस व्यवस्था बात तो बिहारों में होके के चाहिए ना एकरा में कोनो रॉकेट साइंस नहीं के बिहार में व्यवस्था हो सकेला कैसे हो आदमी कहता हूं कि क्या करिए भैया विकल्प नहीं थे बिहार में एक और भाजपा एक और लालू जी और बीच में घूमते हुए नीतीश कुमार कभी डोल के भाजपा के और कभी डोल के लालू जी के ओर भरोसे नहीं कि आदमी टिकेगा किधर वोट आप कहीं देते हैं चले जाते हैं कहीं कद आदमी की विकल्प नहीं थे अच्छा तो विकल्प नहीं थे तो हमारा के बताई विकल्प बनावे केरल से आदमी आई हम आके विकल्प बना ले तब वो विकल्प ना भय पहले ही से दल भाई को प्रशांत किशोर बना लिया तो उसे क्या हुआ उसे कुछ ना हुआ
विकल्प तब हुई जब बिहार के समाज के लोग मिल के विकल्प बनाई। जो पूरा प्रयास था पदयात्रा में कि गांव गांव आदमी जाओ, गांव शहर पंचायत कस्बा में जाके जौन समाज में सही आदमी बा ओकरा के ढूंढ के निकालल जाओ, जो समाज के नोचे नहीं चाहत, समाज खातिर कुछ कर चाहता, जेकरा में क्षमता बा, जेकर बाबूजी विधायक में कम तो कोनो बात नहीं है लेकिन वो आदमी काबिल बा, ऐसा आदमी के ढूंढ के निकालल जाओ। आ सब आदमी मिली 50,000-60,000 आदमी पूरा बिहार घूम मिल जइहन तो फिर ओकरा के बैठावल जाए, और सब आदमी मिल के चाहे कि एगो विकल्प बन जाओ, दल बन जाओ तो बना लिया जाए। आदमी कहत हम ये भैया ये सब तो ठीक बा लेकिन पता कैसे चले कि सही आदमी के बा, सही के बा एकरा केकरा माथा पर लिखल बा, हम रोवा के बताओ तनी कि सही के बा कैसे पता चली। रोवा घर में दही जमता तो दही रोवा देखो तनी धैल बा, ओमे मक्खन लौकता, मक्खन नहीं खे लौकत, लेकिन वह दही के रोवा मछ देता नहीं तो तुरंत मक्खन निकल जाता। वैसे ही समाज में अच्छा आदमी के कमी नहीं खे, बहुत अच्छा आदमी बाड़न, जरूरत है बात के बाकी समाज के मत के नया आदमी के सही आदमी के निकालल जा। आ जेकरे के समाज मत के निकाल दी कि ना भैया है ये आदमी अच्छा बाड़न, ओकरे पीछे पूरा ताकत शक्ति पैसा बुद्धि लगावल जाए और रवा सहयोग से बिता के ले आवल जाए, तबे न भइल जनता के सरकार। जौन बात गांधी जी बतैलो कि स्वराज तो हो गया, आजादी मिल गया, सुराज नहीं हुआ, अच्छा सरकार नहीं हुआ, तो इसका नाम क्या दिए हैं? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, मोदी सुराज नहीं है, नीतीश सुराज नहीं, लालू जी सुराज नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए तबे ना कोई स्थिति बदली। हमारा आवे से ना बदली, 10 गो प्रशांत किशोर राज हम तो स्थिति ना सुधरी। स्थिति तब सुधरी जब समाज जागी और समाज कही कि नारे भाई अगला बार वोट लालू जी को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट उसको पड़ेगा जिसको हम लोग मिलकर बीच से अपने निकालेंगे, जो यहाँ हम लोग के लिए स्कूल बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, विकास करे, लोगों को रोजगार दे, वोट उसको ना पड़ना चाहिए भाई। 35 साल से लालू जी नीतीश जी के सरकार बा, आदमी पहले कहल कि लालू जी के राज में जंगल राज हो गए बा, अपराधी बहुत हो गए, नहीं से हटा दिलस जनता। तो अब हम पूछनी कोई से जा रामनगर में एगो सैलून चलावे वाला आदमी से, अच्छा ये बताओ लालू जी के सरकार तो हट गए नीतीश जी के सरकार बा, तो दोनों राज में क्या फर्क बा? तो कहलस कि भैया दोनों राज में कोनो फर्क नहीं थे, जनता के हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बनता, खाली फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में अपराधी हजामत बनावत रह सन और नीतीश के राज में अधिकारी हजामत बना रहा बन। लालू जी के राज में तो तबो मान ली कि रात में लूट होत रहे, घर में रोवा 4 बजे लुका के लिए तो जान बच जाए, नीतीश के राज में दिने में अधिकारी से कलम लगा के लूट रहल बाड़ा सब, कोई पूछे वाला नहीं बा ना बात है, बिना घूस दे कोनो काम नहीं हो, नहीं हो काम रवा, एगो रसीद कटवावे के होके ओ में पैसा लागी, धान बेचे के बाद पैसा लागी, खाद खरीदे जाता नहीं ओम पैसा लागी, इधर वो सब बानी जा देखिए हम चंपारण में 35-33 दिन हो गए पैदल चल, एको इंच जमीन ऐसा खाली नहीं खे जहाँ खेती नहीं खे, धान गन्ना हर जगह भइल बा। हम पूछत नहीं आदमी से ये भाई इतना ऐजा उपजाऊ जमीन बा, इतना खेती होता तो इतना गरीबी कहे बा? तो जे किसान बा वो बताए, एगो बहुत बढ़िया सज्जन बतैलन ये भैया किसान के तो हालते मत पूछी, पहले खेती होत रहे 5-4-5 साल आदमी खेती करत रहे तो पेट काट के भी समझी 5-10 कट्ठा खरीदा जात रहे खेत, अब किसान के हालत ये बा कि 5 बरिस खेती करत रहो तुम करा 10 कट्ठा बेचा जाता है, कोई बेटी के ब्याह लाग गई, कोई घर में बीमार हो गए तुमके खेत बेचा ही के बाद, अब समझी बात के 277 रुपए की यूरिया रवा नीतीश के राज में 800 रुपए में खरीदता नहीं, 1800 के DAP खरीदता नहीं, आ धान रावर जो 2000 में बेचाए के चाहे वो 1300 में 1200 में बेचता नहीं, तो रावर खेत बेचाई ना तो का हो कैसे बची बताई, कतनो रवा मेहनत कर ली कतनो हाड़ गला ली लाभ नहीं मिले के, एजा 2000 से ज्यादा धान के समर्थन मूल्य बा आ बेचाता 1200-1250 में, तो सुधर ना सके रे भाई। हम पंजाब में काम कैले बानी,
समर्थन मूल्य से एक रुपया अगर कम में कोई के गेहूं धान बेच जाओ तो सरकार के वही दिन पैजामा ढीला कर दिया अनाज में, तब न किसान ओजा कमा रहा बा। समझी कि अगर चंपारण में जितना आदमी धान पैदा करता अगर 2000 रुपये मिले लागो धान के राहत हो जाए, कितना हो जाए कितना राहत हो जाए अगर धान के 2000 मिले लागो। तो गन्ना में वह हाल बा, यूपी से डीजल देता नहीं 9 रुपया ज्यादा दिया था, 9 रुपया ज्यादा शराबबंदी के नाम पर डीजल के दाम बढ़ा दिया 9 रुपया ज्यादा प्रति लीटर। आ शराबबंदियों कहीं नहीं खेला गए, महिला लोग बैठल बानी जा। नीतीश कुमार कहता हूँ कि सब महिला हमारे के वोट देते शराबबंदी लागू कैले बानी, कहीं शराबबंदी लागू बा, घरे घर बेचा था पहले से ज्यादा। आ पकड़ा तक के जो गरीब आदमी बा कहीं गलती से आधा पौवा उनका मिल गई जेब में तो पकड़ के जेल में रख दिल बा ना। आ जे धनी बा जे मजबूत बा यही में माफिया बन के शराबे बेच के कमा के राजा हो। आ महिला लोग के सब के नीतीश कुमार कहता कि शराबबंदी के लिए बनी महिला लोग हमरे के वोट देता क्या कदन बाबा ना गरियावे से ना होई नेता गरियावे से ना डेरा लो। हम देखी 10 साल सब नेता के साथ काम के लिए बानी नेता करवा गाली देव ना नेता जेबा वो गाली से नहीं डरता है। नेता एक चीज से डरता है, चुनाव में हारने से। वो सोचता है चार को गालियों दे वोटवा दे दो खराब बात निकल जाए बा ना। जब चुनाव होता तो आदमी गाय ऐसे ऐसे होके आवता चार को गाली देता नहीं उठक बैठक करावता नहीं कर ले लस वोट ले लस ओकर बाद हम चली हेलीकॉप्टर पे रोवा रोड पे चली मेहनत करतनी। अगर रउआ के लोग ना जीतावल तो कहीं रास्ते चलत में गिर जाए। हम बाबा हमारा के जितावे से ना हुई हमार संकल्प बिहार में पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनल नहीं खे, बिहार में व्यवस्था खड़े करे के बात बा। हम घोषणा कैले बानी सुन ली बात के, अगर पार्टी सब लोग मिल के बना ले तो हमारा नेता नहीं बने के, जो सबसे काबिल आदमी बा चुन के नेता बनावल जाओ। बिहार बदले के चाहे हमने के लैकन के तकदीर बदले के चाहे। बिहार में विकास वो दिन मानल जाये जे दिन गुजरात और महाराष्ट्र के आदमी आके बिहार में रोजगार करे तब न मानल जाये की बिहार हमने के लेके। आप देखिए हमने के मोदी जी के वोट देता नहीं जा। गुजरात में एगो शहर बा सूरत, अकेले एक शहर में 5 लाख बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। बताइए जरा एगो शहर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार के मजदूरी कर रहा बा। तो मोदी जी से कोई कहित कह रहे भाई 2-4 गो फैक्ट्रिया बिहार में लगवा दी सूरत से हटा के तो हमियों के लेकिन के जा रोजगार मिल जाए। देखिए हमने के अपना कितना चलाक समझौता नहीं जा कितना बुर्बक बानी जा। 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात में 26 MP जीत कराता है। तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। 40 MP का राज्य है बिहार, ओमे हमने को 39 गो जीता के भेजले बानी जा मोदी जी के। हमने के लड़का हमने के भाई हो गए वही फैक्ट्री में मजदूर। देखिए अपना के कितना चलाक हमने के बुझाता नहीं जा। सुधर सकेला कबो देश के आजादी के लड़ाई में चंपारण से गांधी जी शुरू कैलन लड़ाई लड़नी जा बिहार के लोग। आ हमने के देश में सबसे 28वां नंबर पर मानी जा। अब गुजरात तमिलनाडु के मुंह आदमी ताकत आजा फैक्ट्री में रोजगार हुई तो जैसे लड़का जाके 10,000 रुपया कमाई हो सर। तो बदले के चाहे बदली तब जब समाज जागी रउआ जाके खड़ा हो जाये तबे बात बदली। प्रशांत किशोर से ना हुई यही खातिर पैदल चल रहा बानी। संकल्प कैले बानी कि बिहार के जितना गांव पंचायत कस्बा शहर बा पैदले चल के जाये 3500 किलोमीटर चले पड़ो कि 4000 एक बरिस लागो कि 2 बरिस। और जब तक पूरा बिहार नहीं कर लेंगे जब तक जाकर सबके निहोरा ना कर ली हाथ ना जोड़ ली तब तक माने वाला नहीं कि यहाँ घर लौट के नहीं जाए के। सुबह में चलता नहीं यहाँ सांझ हो गए किला इधर नवलपुर से चले शुरू के बानी आगे जाके रुक जाये मच्छरगावा में फिर ओजा कल सुबह से चले शुरू कर जाये। अभी देखिए नवलपुर बेतिया के जमीन ए रोड के हालत जे ऊपर 5 किलोमीटर चल जाये तो हमारे खांसी रुकते नहीं सुबह से
हम तो एक दिन चलता नहीं समझी कि गांव के आदमी ओजा कैसे जियता रहा बताओ तो नहीं। अरे हम रुकल रही तो आदमी कहते कि भैया 20% आदमी के टीबी हो गए। आदमी कहता कि धूल इतना पड़त कि टीबी हो गए। हम देखिये सुबह से खासिये नहीं के रुक वही रोडवा पर चल के आवता नहीं हतना हको में धूल बा 15 बरिस से बा कहे बा। लोग बतावल कि जोगा पट्टी में नीतीश कुमार आई रहन को जूता चप्पल उछाल दे रहा उनका मंच पर वही गुस्सा में वो आदमी रोडवे नहीं बनने दे रहा है। बताइए वाला इधर इधर राजतंत्र से भी बुरा हालत है कि आप कोई जूता चप्पल चला दिलस का कैलस ना कैलस को जानत नहीं है। अब 32 किलोमीटर के रोड कम से कम 1-1.5 लाख आदमी परेशान बाड़न। अब 15 बरस से रोड नहीं बन रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार के सभा में कोई जूता चला दे लेगा। आदमी मर रहा बान अरवा सब देखते हो खूब जब बगल में बा का दशा बा। स्थिति तब सुधरी कि हमनी के जागल जाई हमनी के आप हमरवा से हाथ जोड़ के ये कह आई बानी वोट मांगे नहीं आई पार्टियां नहीं बन ले तो वोट कैसे मांगत। रवा से हाथ जोड़ के ये कह आई बानी कि भाई आपन ना तो कम से कम अपन लैकन के चेहरा देखी अपन लैकन के चेहरा देखी अपन जिंदगी तो जैसे बीतल तो बीतल अगर ना सुधरल जाई हमनी के व्यवस्था ना सुधरी तो मान के चली कि लैकनों के जिंदगी ऐसे ही बीती 12,000-15,000 खातिर रोजगार करत बीती। हमरा हम इन चंपारण तो कोई कहल के भैया चंपारण घूम बाद में एक बार चली नरकटियागंज स्टेशन पर खाली देख ले एगो ट्रेन के दशा रुआ बुझा जाए कि चंपारण के कितना दुर्दशा बा। एगो एजा से लोकनायक ट्रेन खुलता जन नायक खाली जनरल बोगी बा ओमे गैनी देखे तो जैसे बोड़ा आदमी कोचे लन वैसे लैका 20 बरिस 22 बरिस 25 बरिस के जवान लैका पीठ पर झोला बांध के एक दूसरा के कंधा पर चढ़ के लेट्रिन में सीढ़ी पर लटक के जा रहा बा। 10,000-12,000-15,000 का दी जौना लैका के रुआ पेट काट काट के बड़ा कैनी पाल पोस के बड़ा कैनी एक बार चल गई कमाए तो साल में बस एक बार देखे के मिलता ओकरा से भेंट होता मानो घर के सवांग एक बार चल गई तो साल में एक बार कोई छठ में आयल कोई ईद में आयल कोई दिवाली में आयल तो 10-12 दिन खातिर भेंट होता फिर साल भर भेंट में क्यों के रहुआ वो जाओ लड़का बीमार पड़ जाओ छठ पटा के रहुआ रह जाए कुछ ना करो। हम निकलो तनी रोज कोई ना कोई मिलता ये भैया हमारे केरल में हमारे भाई रहता उनका संगे दुर्घटना हो गई हमारे लड़का रहता कश्मीर में उनका गोली लग गई। सुबह सुबह एक दिन आवता नहीं कैंप से एगो सज्जन मिललन मैना टाल में कुछ हो गए 10 दिन हो गए बतेलन गे भैया 21 साल का लड़का जवान बेटा कश्मीर में गोली लग गई बा हाथ में वो जो अस्पताल में भर्ती बा तो पूछनी कि क्या करेंगे लन कश्मीर तो भैया 400 रुपया मजदूरी पर गई बानो जा बताई भला 12,000 रुपया खाती कश्मीर में जहाँ आतंकवादी के इतना खतरा बा हमनी के बिहार के जंगल राज के बतियाओ तनी जा 12,000 रुपया खाती आदमी जान जोखिम में डाल के कश्मीर जा रहा बा उतनों के या उपाय नहीं थे। अब मनरेगा में बिहार के नंबर बा अंतिम 100 रुपया जो दिल्ली के सरकार भेजलस ओमे नीतीश कुमार के सरकार 40 रुपया खर्चा कैलस। अरे कम से कम जो पैसा अल वो बांट देते भैया करप्शन हो तब कुछ तो बिहार के आदमी के मिल जाये पैसा दिल्ली वापस भेज दिया 100 रुपया में 60 रुपया वापस चला गया। रिपोर्ट अभी आया है 100 रुपया में 39 रुपया मनरेगा में खर्च होता। आज नीतीश कुमार एकदम मस्त बाड़ा कहता कि बिहार में इतना विकास कर देनी कि अब कुछ करे के बाकी है नहीं थे तो बदले के चाहिए ना भाई बदले के चाहिए ना तो आदमी कहता अच्छा बिजली के स्रोत सुनी हमने के दू गो बात कहता है कि नीतीश कुमार और कुछ कैलन चाहे ना रोड बनवा दिलन बिजली आ गई हम चल रहा बानी पैदल एको गांव अभी तक हमारा नहीं मिलल एक मतलब एको न मतलब एको ना जना भाई गांव के अंदर के रोड ठीक हो के खाली रोड बन गई बा नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे कुछ रोड बनल बा जैसे ही रहा गांव में घुसत नहीं तो गांव के गली के नाली के दशा उहे बा। हम अभी 5 दिन के बाद वीडियो बना के जारी करो जितना गांव में गई बनी वीडियो बनवाओ तनी देखी रहो कि रहुआ गांव के रोड के का दशा बा। बिजली बिल के कहता न सब गांव में हमारा के लोग आदमी कहता कि भैया 3 गो बल्ब जलाओ तनी बिजली के बिल आवत 5,000 6,000 60,000 40,000 तक बिल आई बा।
आ बिजली कोनो गांव नहीं के जहाँ 25 गो 30 गो घर के बिजली नहीं के कटल। उन्हें महीना टाल गई रही तो लोग बतावल के आदमी गांव छोड़ के कई गो परिवार भाग गई बा, फौजदारी केस हो गई बिजली के बिल खातिर। तो बिजली तो आ गई लेकिन इतना ना बिल आवत है कि वही में परिवार बर्बाद हो गए। तो बदली कैसे, बदले खातिर नया विकल्प बनावे पड़ी। विकल्प ऐसा होना चाहिए जो किसी एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, जाति का नहीं, बिहार के लोगों का मिलकर बनाया हुआ विकल्प हो। ऐसे लोगों का विकल्प हो जो समाज को ठगे नहीं, जो समाज को नोचे नहीं, भ्रष्टाचार न करे, यहाँ पर सुधार करे। तो बिहार में नया विकल्प बनावे के प्रयास होगो ना, सहमति बने।